नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर भगवा फहराने के ऐलान के बाद बीजेपी और महायुति सहयोगियों ने काम शुरू कर दिया है। बावन कुले ने कहा है कि 14 जनवरी से सभी जिलों में महायुति की बैठकें होंगी। हम 45 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए तैयार हैं। बावन कुले ने विश्वास जताया है कि मोदी के नेतृत्व में हमें सफलता जरूर मिलेगी। आज मुंबई में तीनों दलों के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया है। बावनकुले ने कहा है कि राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में मोदी जी का तूफान आने वाला है। आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी यानी कि MVA के बहुत नेता हम लोग के पार्टी में शामिल होंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग 225 सीट से ज्यादा जीतेंगे। आज हम सब ने मिलकर यह फैसला लिया है कि 14 जनवरी को महायुति का राज्य स्तर पर सम्मेलन होगा। सभी प्रभारी नेता एक साथ जाएंगे। बावन कुले ने कहा कि फरवरी में हम विभाग के और सीटों का बंटवारा होने पर उच्च स्तरीय बैठक और सम्मेलन करेंगे। जहां जो मजबूत होगा वहां पूरी ताकत से अन्य पार्टियां साथ देंगी। महायुति 45 प्लस सीट जीतेगी और 51% से ज्यादा वोट शेयर होगा। हमारे सामने अभी यह भी सवाल है कि लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। नागपुर की सभा में आपने देखा क्या हुआ, MBA के नेता भाषण देंगे और कोई सामने नहीं होगा। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि जिला तालुका और बूथ स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस बैठक में पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे, जहां एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा फरवरी में सर्वाधिक बैठकें करेंगे।